एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक सियोहारा बुड़नपुर में स्थित जयरामपुर गांव पहुंची। इस समय घनश्याम सिंह को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 66 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। लगभग 1160 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 200 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं पता चला कि गांव में 5 विधवा पेंशन, 12 वृद्धा पेंशन, 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 43 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 43 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 60 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। घनश्याम सिंह, राज्य सरकार ने जितना भी धन दिया है वो हमने लगा दिया, आगे मांगे भी और बढ़ गए। धन देंगे।